हरे कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए प्यारी सी फ्लावर वाली नेट की ड्रेस। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने जैसे कि जो हमने इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया है वो हमने नेट की है। दो कलर की हमने नेट लिए इसमें, ये देखिए इसमें 8 नंबर का मोती लिया व्हाइट कलर का, और ये हमारे जो यहाँ पर येल्लो कलर के जो ये फ्लावर है ये हमारे पेपर रोज है। तो आइए, जैसे मैंने बता दिया हमने इसमें मटेरियल जो लिया है इस ड्रेस को बनाने के लिए, सबसे पहले बनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए सब ये देखिए मैंने इसमें हैंडमेड फ्लावर बनाए हुए हैं, जैसे कि हैंडमेड पूरी इसमें नेट के ऊपर हैंडमेड फ्लावर बना के ये लगाया है, जो कि मैं आपको ये बनाना भी बताऊंगी और इस ड्रेस को भी बनाना बताऊंगी मैंने ये ड्रेस किस तरीके से बनाई है। तो आइए मैं आपको ड्रेस बनाने के लिए शुरू करती हूँ। ड्रेस जो मैंने बनानी है ये देखिए, ये मैंने बुकरम ली हुई है और बुकरम के ऊपर अस्तर लगाया हुआ है दोनों साइड, ये दोनों साइड मैंने कपड़ा लगाया, जैसे कि यहाँ पर दूसरे कलर का लगाया और यहाँ पर दूसरे कलर का लगाया। आप इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं। आप सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बताऊंगी, मेजरमेंट बनाने के लिए बताती हूँ। तो जो मैंने इसका डायग्राम मीटर बनाया हुआ है, ये सर्कल मैंने कट किया है, तो मैंने इसका जो बुकरम कट किया है, सबसे पहले बुकरम कट की है वो जिसका नाप है हमारे यहाँ से 9 इंचीज, तो ये हमारा ऑल राउंड 9x9 इंच का है, इस तरीके से पूरा 9x9 इंचेस का है। और ये गोला अपने ठाकुर जी की कमर के हिसाब से अकॉर्डिंग हमें कट करना होता है, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से हमने बुकरम लेने के बाद इस तरीके से फोल्ड करनी होती है और फिर एक फोल्ड और करना होता है इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से हमने पहले बुकरम कट फोल्ड करनी होती है और इस तरीके से हमें माप लेते हुए पूरे राउंड में इसी तरीके से हमें ये कट करना होता है। ये राउंड हमें इसी तरीके से माप करके कट करना है और यहाँ पर भी ठाकुर जी की कमर कट करनी है इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे ठाकुर जी की जो भी कमर का साइज होता है। तो ये कट करने के बाद हमने बुकरम जैसे कट की है उसके बाद हमने अस्तर लगाया, दोनों साइड अस्तर लगाए हैं, जैसे कि इधर भी अस्तर लगाया और इधर भी अस्तर लगाया। तो ये कलर जैसे कि ड्रेस का हमारे कलर है, जैसे मैंने बताया आपको मैं इसमें येलो शेड दे रही हूँ, तो मैंने येलो ऊपर लगाया है तो इसलिए, क्योंकि येलो का थोड़ा कलर अच्छा सा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से तो ये देखिए मैंने दोनों कलर की फ्रिल बनाई हुई है। फ्रिल मैंने आपको पहले भी बताई हुई है किस तरीके से बनानी होती है। ये देखिए जैसे मैंने बताया मैंने दोनों शेड लगानी है और ये मैंने इस बार सिंगल नहीं लगाई है, मैंने फोल्डेड नेट लगाई है। तो ये देखिए हमारी फोल्डेड नेट है, तो फोल्ड करके डबल करके मैं इसका आपको माप बताती हूँ, जो भी मैंने इसका माप लिया है। इसके जो यहाँ से इस तरीके से जो फोल्ड के लिए ये मैंने ये देखिए तैयार इस तरीके से 2.5 इंच है, तो मैंने इसको पट्टी को 5 इंच लिया था, इस तरीके से 5 इंच लिया था। फोल्ड करने के बाद हमारे पास ये 2.5 इंच की पट्टी रह गई है, तो 2.5 इंच की पट्टी हमने जितनी भी हमें इसकी यहाँ पे ये चुन्नटें डालनी है, जितनी ज़्यादा ज़्यादा डालेंगे इसी के अकॉर्डिंग आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, जैसे कि आपकी ठाकुर जी की जो भी ड्रेस होगी उसकी लेंथ कितनी भी ले सकते हो, तो उसके हिसाब से हमने ये चुन्नटें बनाई है। इस तरीके से बनाते हुए चुन्नटें डाली है, ये देखिए, और इसी तरीके से मैंने येलो कलर की भी ली। येलो कलर की पट्टी का मैं आपको माप बताती हूँ, यहाँ पर ये इसका माप है 2 इंच, तो जो कि मैंने कि ये 4 इंच कट की थी, ऐसे 4 इंच की थी, और लेंथ इसी तरीके से आप कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि चुन्नट हमने बनानी इस तरीके से डालेंगे तो आप वो पट्टी कितनी भी लेंथ ही ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्रिल का आपको बता दिया मैंने किस तरीके से बनाई है, और ये सर्कल के लिए मैंने आपको बता दिया दोनों साइड मैंने कपड़ा लगा के एक ये स्टिच करके और इसको फिनिशिंग से कट कर देना है, जो कि हमारा ये राउंड अच्छे से पक्का हो जाए। अब इसके ऊपर ये नेट का मुझे यहाँ पर ये लगाना है, जैसे यहाँ पे लगा हुई है ये पूरी फ्रिल राउंड में लगानी है, एक यहाँ पर किनारे पे लगाएंगे और एक दूसरे राउंड पे लगाएंगे, तो इसका माप लेते हुए पूरी फ्रिल लगानी है हमें। ये देखिए जैसे मैंने नेट की स्टिच करना है, नेट को स्टिच करने के लिए जैसे कि हमारी इस तरीके से हम इसको नेट को रखेंगे और आगे से हमें जैसे यहाँ पर ओपन रखना है, तो इसका हम पहले मार्क लगा लेंगे, इस तरीके से सेंटर करके मार्क लगा लेंगे, फोल्ड करके जो भी यहाँ पर सेंटर आता है इसका इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया, इसको हम कट बाद में करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये नेट को रखेंगे और जितना हमारे यहाँ पर स्टिच हमने ये फ्रिल बनाई है इसको रखते हुए पूरे राउंड पे हमें निशान लगाने, जो कि हमारी ये इक्वल रहे, जो कि आगे पीछे ना रहे। और जैसे कि हमारे ये देखिए हल्का हल्का किनारा बाहर है, ये देखिए नेट का हल्का सा किनारा बाहर है ये ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो इसी हिसाब से हम इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने इसको ये राउंड राउंड पूरा स्टिच कर दिया है, जैसे हमने ये फर्स्ट राउंड यहाँ पे स्टिच कर दिया, और जैसे कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से ओपन ना हो हम इसके यहाँ पर भी एक किनारे पे स्टिच कर देंगे सिलाई, यहाँ पर एक सिलाई इसके किनारे किनारे सिलाई कर देते हैं।
ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया, एक बार यहाँ सिलाई लगा दी है, एक बार यहाँ पर सिलाई लगा दी। इसके पीछे हमें क्या फ्लावर लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये सिलाई जरूरी लगाई है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये हमने जैसे कि हमें येलो कलर का वर्क करना है तो हमें येलो धागा लगाना है, और हमें पिंक कलर का लगाया तो हमने देखा इस तरीके से क्या है कि धागा ऊपर दिखाई नहीं देगा, अच्छे से हमारे स्टिच हो जाएगा। ये हमारी पक्की अच्छी ड्रेस बन जाएगी, जो कि हमें बहुत स्टिच करने के लिए अच्छे से स्टिच करना है हमें। ये देखिए हमने येलो कलर को भी स्टिच कर दिया, जैसे कि हमने ये वाली नेट यहाँ पर लेस बनी हुई थी जो फ्रिल हमारी स्टिच की है, ऐसे हमने किनारे पे स्टिच कर दिया। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे सेंटर से इसे कट करना है और यहाँ पर इसका घेरा बनाना है। ये देखिए हम यहाँ से इसको ओपन, एक साइड ओपन करनी है तो हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पर गोटा लगाएंगे, जैसे कि मेरे पास ये गोल्डन गोटा है, इसको यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से रखते हुए इसको यहाँ पर किनारे पर स्टिच कर देंगे। दोनों साइड इसी तरीके से मैं स्टिच करूँगी। ये देखिए हमने यहाँ पर जैसे कि गोटा लगाना बताया, दोनों साइड गोटा लगा लिया, बहुत ये ओपन साइड है तो इसीलिए हमने गोटा लगा के इसको फिनिशिंग दी है। तो आइए अब यहाँ पर हमें इसका नेफा बनाना है, जैसे कि नेफा बनाते हैं इसको हम बैक साइड से सिलेंगे, इस तरीके से स्टिच करना है इसको। जैसे कि नेफे की पट्टी हमारी, ये देखिए मैं आपको माप के बताती हूँ, हमने जो नेफे की पट्टी ली है, ये हमारी जो पट्टी ली हमने ये 1.5 इंच की ली है, 1.5 इंच की, और जितना ये राउंड है इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इसमें स्टिच होती है उसकी लेंथ इस हिसाब से रखना। तो इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ पर किनारे पे रखेंगे और इस तरीके से इसको पूरा राउंड राउंड स्टिच करना है। ये देखिए हमने इस पट्टी को स्टिच कर लिया, उल्टी साइड से स्टिच किया। अब हमें यहाँ पर सीधी साइड इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हल्का सा फोल्ड लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक और फोल्ड लेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से स्टिच करते हुए पूरे राउंड राउंड हमें स्टिच करना है। और साथ ही में मैं इस तरीके से, क्योंकि मैं इस तरीके से यहाँ पे डोरी, आप पिन के पिन जैसे सेफ्टी पिन होती है इस तरीके से भी डाल सकते हैं इसको लेकर, और आप अच्छे से स्टिच करना जानते हैं तो इस तरीके से रखेंगे और हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने इस ड्रेस का नेफा बनाना आपको बता दिया और कितने प्यारे अच्छे तरीके से हमने इसका नेफा स्टिच कर दिया, जैसे कि हमने ये डोरी बना के स्टिच करके डाली हुई है। इस डोरी के ये देखिए हम इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं लूज टाइट करने के लिए, और जैसे कि यहाँ पर ये ओपन है तो इसको हमें यहाँ पे नेट की मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करूँगी। ये जो हमने नेट ली है, नेट की इस तरीके से यहाँ पर किनारे पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने डोरी में नेट की लटकन बना दी है, स्टिच करना आपको बता दिया, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से नेट की हमने ये लटकन बनाई है। तो आइए अब इसके बाद हमें ये जैसे इस ड्रेस के ऊपर हम मैंने आपको बताया फ्लावर वाली ड्रेस बनानी है, तो ये मैंने फ्लावर ये देखिए इस तरीके के फ्लावर है और ये मैंने हैंडमेड फ्लावर बनाए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसे 5 लीफ बनाई है, 5 लीफ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी ड्रेस के ऊपर ये फ्लावर्स लगाने हैं। तो मैं आइए अब ये आपको फ्लावर्स बनाना बताती हूँ। तो देखिए इस फ्लावर को बनाने के लिए जैसे ये फ्लावर बनाया हमने यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये एक लीफ बनाई हुई है इस तरीके से, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये हमने लीफ बनाई हुई है। इस तरीके से लीफ बनाने के लिए हमने नेट ली है, इसी कलर की हमने ये नेट ली है। तो हमने इस नेट को इस तरीके से, ये जो हमने नेट का कटिंग की है हमने जहाँ पर की है इस तरीके से, यहाँ पर हमारी ये 3 इंच है और इस साइड भी हमारी ये 3 इंच है, हमने 3 बाई 3 इंच की एक नेट लिया है। नेट को इस तरीके से, ये देखिए इस लीफ को बनाने के लिए, इस लीफ को बनाने के इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरीके से फोल्ड, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट फोल्ड, ये हमारा सेकेंड फोल्ड, इस तरीके से ये हमने फोल्ड किया है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये देखिए हमने नीडल, ये देखिए हमने नीडल लिया, ये धागा डाला है, सेम हमने कलर का धागा डाल लिया, इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है इसको। और जैसे कि बखिया करते हैं, कच्चा करते हैं, इस तरीके से करते हुए ये देखिए हमने इसको बखिया कर दिया। ये देखिए जैसे कि हमने सिंपल बखिया करने के बाद इस त्रिकोणों को इस तरीके से यहाँ पे ये सुई से धागा खींच देना है और ये देखिए हमारे यहाँ पर ये लीफ तैयार होगी। इस लीफ को तैयार करने के बाद इस तरीके से हम इसको राउंड से पक्का कर लेंगे, ये देखिए, ताकि ये हमारी हैंडमेड लीफ अच्छे से पक्की हो जाए और ये खुले ना। तो हम यहाँ पर ये देखिए ये हमारे यहाँ पर लीफ तैयार होगी। इसी तरीके से ये सारी लीफ हमने बनाई है, बनाने के बाद इस तरीके से यहाँ से ये कटिंग कर देना एक्स्ट्रा, जो भी हमारी कट हो गया इस तरीके से हमें कट करने के बाद,
और सारी लीफ को इस तरीके से पकड़ेंगे और सभी लीफ को फाइव लीफ बनाकर हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हमारा ये देखिए इस तरीके से फ्लावर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत ये फ्लावर हमने तैयार किया है। तो ये फ्लावर इसी तरीके से बनाएंगे हम सभी फ्लावर। मैंने आपको लीफ बनानी बता दी है। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको फूल बनाना बता दिया है, ये हमने फाइव लीफ का फूल बनाया है। ऐसे मैंने मुझे जितने ड्रेस के ऊपर लगाने हैं, जैसे कि ड्रेस के ऊपर लगाने हैं, मैंने देखिए सभी फूल बनाए हुए हैं। इस तरीके से हमें सभी फूल बनाने हैं। हैंडमेड फूल हैं ये हमारे। तो इस तरीके से ये कोई रेडीमेड फूल नहीं है, ये हमारे हैंडमेड फूल हैं। तो इसी तरीके से मैंने सभी फूल बनाए हैं। और इस ड्रेस के ऊपर जैसे कि मेरी ड्रेस है यहाँ पर ठाकुर जी के लिए जो ड्रेस बना रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फ्लावर लगाएंगे। ये देखिए जितने हमारे ड्रेस के ऊपर जितनी बड़ी हमारी ड्रेस बनानी है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये फ्लावर लगाने हैं। तो ये फ्लावर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने ठाकुर जी के ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से मैं फ्लावर लगाऊंगी। फ्लावर जैसे मैंने आपको दिखाई रखा, इन फ्लावर के ऊपर मैंने मोती भी लगाना है। जैसे मैंने बताया था आठ नंबर का मोती लगाऊंगी मैं। तो देखिए मेरे पास ये आठ नंबर का मोती है। इस तरीके से ये आठ नंबर का मोती इसी तरीके से मुझे लगाना है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर किनारे पर इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए हमने धागा डाला हुआ है, नीचे से धागा हमने निकाला ऊपर, और ये मोती इस तरीके से निडल में इस तरीके से ये देखिए। और यहाँ पर ये क्या है कि फ्लावर भी पक्का हो जाएगा, हमें चिपकाने वाला वर्क नहीं करना है। और इस तरीके से ये फ्लावर पक्का हो जाएगा और ये हमारा मोती भी अटैच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये मोती अटैच हो गया। आप एक बार भी कर सकते हो और इस तरीके से दोबारा भी ले सकते हो। ये देखिए इस तरीके से दोबारा भी ले सकते हो। ये सेकेंड टाइम मैंने निडल को इसी तरीके से और यहाँ पर इसको हमने पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद इस तरीके से हम अपने धागा पक्का कर देंगे और ये कट कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से मुझे सभी फ्लावर के ऊपर मोती लगाना है और पूरी ड्रेस के ऊपर इसी तरीके से पक्का करना है फ्लावर। और जैसे कि मेरे पास ये मोती है तो मैं इस व्हाइट यहाँ पे येलो कलर के जो हमारी ये नेट यहाँ पर फ्रिल बनी है इसको हमें खाली नहीं रखना है। तो हम एक एक मोती यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया मैंने सभी मोती लगा दिए। और पूरे मोती इसके ऊपर लगाने के बाद इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे सितारे भी लगाए हैं। आप इसी खाली भी रख सकते हैं, इसके ऊपर डेकोरेट के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्लावर खाली ना लगे। और जैसे कि यहाँ पर बीच में जगह खाली है आप एक एक व्हाइट मोती भी लगा सकते हो, यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। और मैंने येलो कलर का मैचिंग यहाँ पर एक ये पेपर रोज लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने इसको भी पेपर रोज लगा दिए हैं पूरे एक 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 जगह इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी येलो कलर के ऊपर मैंने यहाँ पर मोती भी अटैच किए हुए हैं। तो ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हमारी। तो देखिए हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए इसी तरह प्यारी प्यारी ड्रेस बनाइए। ये देखिए अब हमें आपको ये ड्रेस बनानी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी चोली और ठाकुर जी का पटका और राधा रानी का दुपट्टा ये तीनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। आप भी इसी तरीके से अपने ठाकुर जी को प्यारे प्यारे ड्रेस बनाकर पहना सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।